जय हिंद, मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से। आज हम एप्टीट्यूड के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात। ध्यान दीजिएगा, एप्टीट्यूड के अंतर्गत फ्रेश टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात। अनुपात व समानुपात, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम पहले वैरायटी का प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप वन। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए लिखा हुआ है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इसको हम लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब होता है भाग, डिवाइड। तो यहां पर लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय बी, समानुपात का मतलब होता है इक्वल्स टू सी अनुपात का मतलब बटा डी। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी। चलिए, इससे संबंधित हम प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अनुपात व समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत पहले वैरायटी का प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए प्रश्न है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा यदि हमें दिया गया है 5:8 समानुपात 150 अनुपात x। यहां पर x का मान क्या होगा यदि दिया है 5:8 समानुपात 150 अनुपात x। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां दिया है 5:8 समानुपात 150 अनुपात x। ध्यान दीजिएगा, 5 अनुपात का मतलब बटा 8, समानुपात का मतलब इक्वल्स टू 150 बटा x। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इस तरफ आ जाएगा बराबर 150, ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा और ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, 5 3 15। तो यहां पर x बराबर आएगा 8 3 24, अर्थात x की वैल्यू आएगी 240। therefore यहां पर x की वैल्यू आएगी 240। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक दशमलव दो, x का मान क्या होगा यदि 1:2 अनुपात 3:9 समानुपात 2:x। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान दीजिएगा, जबकि हमें दिया गया है 1:2 अनुपात 3:9 समानुपात 2:x। ध्यान दीजिएगा, 1:2 अनुपात का मतलब होता है बटा 3:9, समानुपात का मतलब होता है बराबर 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा यहां पर 2:3:9/1:2। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 2 into, यहां से दशमलव हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 10, यहां से नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10। यहां 10 से 10 तो अल्टीमेटली कटेगा ही, यहां पर 2 से 2 6 12, 3 से 3 2 6 3 1 3 1 3 3 3 9। तो x बराबर आ रहा है 13/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 12
दो पंचे दस, तो x बराबर आएगा 6.5। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, x का मान क्या होगा यदि रूट दो अनुपात 1+√3 समानुपात √6 अनुपात x। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जबकि हमें दिया गया है √2 अनुपात 1+√3 समानुपात √6 अनुपात x, ध्यान देगा। इसे हम लिख सकते हैं √2/1+√3 समानुपात का मतलब होगा बराबर √6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x चला जाएगा ऊपर, यहां से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6(1+√3) बटे में आएगा √2। ध्यान दीजिएगा √6 छह भी रूट में है, दो भी रूट में है, तो ये काट सकते हैं 2 + 3 = 6, तो ये आ जाएगा x बराबर, यहां बचेगा √3(1+√3), तो x बराबर √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + √3, ये हो जाएगा आपका 3, तो therefore x बराबर आएगा √3 + 3। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, x का मान क्या होगा यदि x अनुपात 1.4 समानुपात 14.2 अनुपात 2.8। इसे हमें सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। जबकि यहां पर दिया गया है x अनुपात 1.4 समानुपात 14.2 अनुपात 2.8, ध्यान दीजिएगा। x अनुपात का मतलब होगा बटा 1.4, समानुपात का मतलब बराबर, यह आएगा आपका 14.2, अनुपात का मतलब बटा 2.8, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर आ जाएगा 14.2/2.8, ये ऊपर चला जाएगा (×1.4), ध्यान दीजिएगा। यहां पर 14.2 से दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो नीचे 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर से अगर दशमलव हटाएंगे, यहां से दशमलव हमने हटा दिया तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहां 14 दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, 2.8 में से दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्टीमेटली 10 से 10 कट जाएगा। 14 × 2 = 28, 2 से काटेंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, तो यह आ जाएगा 71/10, तो x बराबर 7.1, अल्टीमेटली x का आंसर आएगा 7.1। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, x का मान क्या होगा यदि 1.2/3.5 समानुपात x अनुपात 14, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जबकि हमें दिया गया है 1.2/3.5 समानुपात x अनुपात 14, 1.2 अनुपात का मतलब है बटा 3.5, समानुपात का मतलब बराबर, x बटा 14, x की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x बराबर आ जाएगा ये 1.2×14/3.5, तो x बराबर, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, यहां पर 3.5 में से दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, इंटू यहां पर है 14, यहां पर काट सकते हैं 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, 10 से 10 कट जाएगा। यहां पर 5 से यहां पर ये नहीं कट रहा है, तो x बराबर 12 × 24/5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो x बराबर, therefore x बराबर आ जाएगा
पांच चौक 20, ये होगा 5 8 40, एक्स की आंसर आएगा 4.8। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स का मान क्या होगा यदि 4.5 अनुपात एक्स समानुपात 9:2.6 यह दिया है, ध्यान दीजिएगा। जबकि हमें दिया है 4.5 अनुपात एक्स समानुपात 9:2.6, ध्यान दीजिएगा। 4.5 अनुपात का मतलब है बटा एक्स बराबर 9:2.6, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 4.5 × 2.6/9। एक्स बराबर 4.5 में से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 2.6 में से दशमलव हटाएंगे दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, और बटे में ऑलरेडी 9 है तो 9 × 5 = 45, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स बराबर यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 6 = 30, 30 का जीरो हासिल आया 3, 5 × 2 = 10, 3 = 13, 130/100, 1010 कटेगा तो therefore x बराबर आ जाएगा 13 में 10 से डिवाइड करेंगे 1.3, अल्टीमेटली यहां आंसर आएगा x बराबर 1.3। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1:√3/2, तथा दिया है, इसी में दिया है सी बराबर 4 हो तो बी बराबर क्या होगा, अर्थात यहां से हमें बी का मान ज्ञात करना है। देखिएगा यहां पर दिया है, देखिएगा, जबकि हमें सी बराबर पहले से दिया हुआ है 4, और जबकि यहां पर दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1√3/2, सी का मान दिया है 4, तो हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी फाइंड आउट करना है और सी का मान है 4, यहां पर सी का दिया है 4 और बी हमें फाइंड आउट करना है, तो बराबर यहां पर बी का मान फाइंड आउट करना है, सी का मान है 4, 1√3/2, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सी का मान तो दिया ही हुआ है और बी का मान फाइंड आउट करना है, ए से कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर लास्ट के दो अंक ले लीजिए और यहां से लास्ट के दो अंक ले लीजिए, तो इसे हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं देयरफॉर बी अनुपात 4 बराबर √3/2, तो बी अनुपात का मतलब बटा 4 बराबर √3/2, 2 × 4, तो therefore b बराबर आ जाएगा 2√3, तो यहां पर b बराबर आ जाएगा 2√3। यहां से आपको यदि a का मान पूछ देता कि a का मान क्या होगा तो आप a का मान भी निकाल सकते, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम a का मान भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, जैसे यहां पर दिया गया है जबकि a अनुपात b अनुपात 4 बराबर दिया गया है 1√3/2, सी का मान तो हमने रख ही दिया था, बी का मान यहां रख दीजिए, तो ए अनुपात बी का मान यहां से रख सकते हैं 2√3/4 बराबर 1√3/2। अब देखिए इसमें अल्टीमेटली ए का मान निकालना है तो प्रारंभ के दो नंबर ले लीजिए, तो यहां प्रारंभ के दो नंबर ले सकते हैं, या यहां पर a के साथ तीसरा लीजिए तो यहां भी हम a के साथ तीसरा लेंगे, तो जो आपको सुटेबल पड़े वो ले सकते हैं। जैसे यहां पर पहले दो ले लीजिए तो पहले दो के यहां के भी, तो a अनुपात 2√3 बराबर 1√3, तो ये आ जाएगा आपका a बटा 2√3 बराबर 1√3,
तीन, रूट तीन से तो रूट तीन कट गया, तो देयरफॉर ए बराबर दो। आप यहां पर जैसे हमने यहां पर शुरू के दो लिया है तो यहां भी शुरू का दो, आप लास्ट के भी पहले और लास्ट का लेते, पहले लास्ट का लेते तो भी आंसर सेम आता है। ये पहला तरीका। इसी में दूसरा तरीका, मान लीजिए मैंने ए के साथ चार लिया तो ए अनुपात चार बराबर यहां पर वन के साथ लेना पड़ेगा दो, तो ये हो जाएगा ए के साथ मैं चार ले रहा हूं तो यहां ए वन अनुपात होगा दो, तो ए बटा चार बराबर एक बटा दो, दो दुनी चार, तो देयरफॉर ए बराबर आएगा दो। तो ये दोनों में से कोई भी तरीके से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर ए का आंसर आ रहा है दो और यहां पर बी का आंसर आ रहा है, बी का मान आ रहा है दो रूट तीन। हालांकि यहां पर सिर्फ हमें बी की वैल्यू पूछा था, यदि ए का वैल्यू भी पूछ देता तो हमने ए का आंसर भी ले आया है जो कि है दो, और बी का आंसर है दो रूट तीन। तो इस प्रकार से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात से संबंधित टाइप वन के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।